The second type of non-spectral interference is chemical interference. Atomizer के अंदर हमें एक खास एक specific energy चाहिए होती है ताकि atomization हो सके अगर energy उससे कम होगी यानी temperature कम होगा तो atomization proper नहीं होगी या दूसरी सूरत में अगर हमारा metal atom किसी ऐसे counter ion के साथ attach है जो atomize नहीं हो उस temperature पर तो भी कंसनट्रेशन कम आ रही होगी इसको केमिकल इंटरफेरेंसेस में डिस्कस किया जाता है एक एग्ज़ाम्पल जैसे इफ़ेक्ट ऑफ फॉस्फेट ऑन कैल्शियम ये केमिकल इंटरफ्रेंस की एक एग्जाम्पल है कैल्शियम फॉस्फेट डिसोसिएट नहीं होता हमारे नॉर्मल एसिटालीन और एयर के फ्लेम में दे फोर एस फॉसफेट कंसनट्रेशन इज़ इंक्रीज द एब्जॉर्बेंस ड्यू टू कैल्शियम एटम डिक्रीज़ जितने ज़्यादा फॉस्फेट के आयंस पाए जाएंगे वो कैल्शियम के साथ टाइटली बाउंड हो जाएंगे और कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन को सप्रेस कर देंगे नॉर्मली ये फिनमोना हमारे हार्ड वाटर के अंदर पेश आ सकता है तो देर आर टू मीन्स ऑफ डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम वन इज़ टू एलिमिनेट द इंटरफेरेंट कंपाउंड यानी फॉस्फेट को हम जो इंटरफेयर कर रहा है जो कैल्शियम के साथ बाइंड होकर उसे एटमाइज नहीं होने दे रहा हम उसको इस थर्मली स्टेबल कंपाउंड को तोड़ दें हम कोई और एटम इसके अंदर ऐड कर दें कोई ऐसा सॉल्ट ऐड कर दें जो इस फॉस्फेट के साथ ज़्यादा बेहतर काउंटर आयन बन सके और फॉस्फेट को एलिमिनेट कर दे कैल्शियम से जुदा कर दें इन अटोमिकब्जॉर्बेशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी वी वही यूज एल्थ लेंथनम ऐटम्स लेंथनम का कोई सॉल्ट यूज़ करेंगे लेंथनम फॉस्फेट के साथ ज़्यादा अच्छा बाइंड क्रिएट कर लेगा और कैल्शियम को एज़ ए फ्री कैल्शियम डिसोसिएट करवा देगा कैल्शियम का अब काउंटर आयन चेंज हो गया फॉस्फेट के अलावा कोई और आयन मौजूद था जो लेंथनम के साथ था वो अब कैल्शियम के साथ चला गया इस सूरत में ए, उसी टेम्परेचर पर एयर एसिटाइलिन फ्लेम ही यूज़ करेंगे लेकिन हम उसे एटमाइज करवाने के काबिल हो जाएंगे द सेकेंड वे इज़ यूजिंग ए हॉटर फ्लेम यानी एयर एसीटाइलिन की बजाय हम नाइट्रस ऑक्साइड इसटाइलिन का फ्लेम यूज़ करते हैं जिसका टेम्परेचर एयर इस्टलिन से ज़्यादा है हमने इसको लास्ट टाइम डिस्कस किया था मुख्तलफ फ्लेम के जो टेम्परेचरस हैं और इसका तकरीबन 300 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा टेम्परेचर शो करता है ऑब्जर्व किया गया है कि कैल्शियम फॉस्फेट की इंटरफेरेंस इस हॉटर फ्लेम में नहीं आती अगर हम एयर इस्टलिन को नाइट्रस ऑक्साइड इस्टलिन से रिप्लेस कर दें तो फिर भी ये इंटरफेरेंस कम हो जाएगी इन वे कि हम इंस्ट्रूमेंट ही चेंज कर लें जहाँ हम फ्लेम अटोमिकब्जॉपन स्पेक्ट फोटोमीटर यूज़ कर रहे हैं उसके बजाय हम ग्रेफाइट फर्नेस इस्तेमाल करें ग्रेफाइट फर्नेस भी अगेन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देगा इसके मुकाबले में और ये एटमाइजेशन कैल्शियम ज़्यादा अच्छा आइटमाइज़ हो जाएगा ये जो बाइंडिंग कैल्शियम फॉस्फेट की थी वो ब्रेक हो जाएगी और हमें इस टेम्परेचर पर जो फ़रनस में मौजूद है उसमें हमें कैल्शियम को एटमाइज़ करना और उसको एनालाइज़ करना ज़्यादा आसान हो जाएगा